फ्रॉम चाइना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। हाय, कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? क्या 2020 ने आपकी भी लेनी देनी कर रखी है? और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ले कौन रहा है और आप किसको दे रहे हो? तो देखो यार, ये तो होना ही था। हम सब ने मिलकर पृथ्वी की इतने सालों से गांड मारी है ना, तो अब उसकी बारी है। Greater storms. क्योंकि गांड और जान भगवान ने सबको दे रखी है, तो मारी सबकी जाएगी, सील सबका टूटेगा। ये मत समझना तुम अपनी बचा लोगे। लेकिन यार ये कुछ ज्यादा हो गया, इतनी बुरी तरह नहीं मारनी चाहिए थी यार। चलो कोई नहीं, मारी तो मारी, कम से कम मारने से पहले अपना हैंड सैनिटाइज तो कर लेते। पृथ्वी में आज भी कुछ अच्छे इंसान जीवित हैं, कम से कम उनकी तो सोच लेते, लाइक मी। सोमवार शाम खबर आई कि दिल्ली सरकार ने शराब के दाम बढ़ा दिए हैं। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है, ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है। हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है। यार मुझे लग नहीं रहा कि कोरोना कोई सीरियसली ले रहा है इंडिया में, उल्टा इस बीमारी का मजाक बना रखा है लोगों ने। भैंसो, तुम्हारे घर पर आया रिश्तेदार थोड़ी ना जो पूरा परिवार मिलकर गो कोरोना गो के नारे लगाओगे और वो दड़कर भाग जाएगा। यार कोरोना है, बीमारी है, कुछ तो इज्जत करो उसकी। भारत में कोरोना शुरू होते ही उसे ठीक करने के लिए हजारों अफवाहें फैला दी गई। हमारे सूत्रों से पता चला है, अगर आप रात को सोने से पहले गोबर और टट्टी को मिलाकर अपने चेहरे पे लगाते हो तो इससे होगा कोरोना का खात्मा। सुबह उठने के बाद अगर आप गोबर और गौमूत्र का नाश्ता करोगे तो नहीं होगा कोरोना। रोजाना गांजा फूकने से और मदिरा पीने से होगा कोरोना का खात्मा। ये न्यूज सुनने के बाद मेरी मम्मी मेरी तरफ संदेह भरी निगाहों से देखती है। तेरे को भी तो नहीं हुआ अभी तक कोरोना? अरे मम्मी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रोज छत पर बैठकर दारू और सिगरेट फूंकता हूँ। आपको और बहन को भी तो नहीं हुआ, इसका मतलब आप दोनों रोज छत पर बैठकर दो दो पैक लगाते हो। और अभी किसी ने अफवाह फैला दी कि रोजाना मुठ मारने से होगा कोरोना का खात्मा। ये बात मेरे एक कुपोषित दोस्त को पता चल गई। एक तो उसे पहले से कुपोषण, और ये बात पता चलने के बाद तो अपने हड्डियों का भी कैल्शियम निकाल देगा अपने मूत्र द्वार के रास्ते। और वो बंदा ऊपर से मेरे से कॉल करके पूछता है कि भाई ये साफ साफ नहीं बताया अपनी मारनी या दूसरों की। मैंने कहा भाई देख, जाने तो जाने, ऐसे अपनी जिंदगी से रिस्क मत ले। तो एक काम कर, आते जाते सबकी मार और मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास। अब कोरोना इतना फैल चुका था कि पूरी दुनिया की गांड मार रखी थी उसने, और उसकी वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने अपनी जान और गांड दोनों लगा दी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के लिए साइंस का सहारा ले रहे थे, लेकिन हमारे स्वदेशी वैज्ञानिक ने सोचा साइंस की माँ की, उन्होंने और कुछ सहारा लिया। जहाँ एक तरफ अमेरिका, इटली, जापान और पूरे विश्व के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए माँ बहन एक कर रहे थे, वहीं इंडिया के स्वदेशी वैज्ञानिक जंगल में जाकर साग सब्जियों के मिश्रण से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर दी। यो और जब हम इंडियन को ये बात पता चली कि हमारे स्वदेशी साइंटिस्ट ने कोरोना की वैक्सीन तैयार करी, पूरा इंडिया खुश था, पूरा इंडिया नाच गा रहा था। लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ी तब पता चला कि हमारे साइंटिस्ट ने पूरे इंडिया के हरे हंड पे धोखा दे दिया। बहन चो टट्टी कर हाथ ना धोने वाले अब नाक और गांड खुजाने से पहले भी हाथ सैनिटाइज कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। अपनी मम्मी से बेलन से मार खाई लेकिन घर का काम नहीं किया तो जिंदा हो तुम। रोज दोस्तों के साथ चौमिन, मोमो, बर्गर खाने वाले अब घर में माता पिता के ताने खा रहे हो तो जिंदा हो तुम। रोज पोर्न वीडियो देखने वाले अब माँ बाप के साथ रामायण और महाभारत देख रहे हो तो जिंदा हो तुम। शराब के दुकान खुल गए फिर भी शराब के लाइन में नहीं लगे हो तो जिंदा हो तुम। बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन बना दी ये सोचकर खुशी होने वाले चूतिया हो तुम, सालो चूतिया। चाइना के माल के बहिष्कार करने के चक्कर में अपने घर के पुराने टीवी फोड़ रहे हो तो बहुत बड़े वाले बीसी और एमसी हो तुम, सालो क्या मिलेगा इससे। पूरी वीडियो देख ली
फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ जाओ यार, कोई अच्छी सी गाली ले लो, खुद कर दो यार लाइक और सब्सक्राइब।